रुचिरा द्वितीयो भागः सप्तम वर्गाय संस्कृत पाठ्यपुस्तकम् प्रवाचकः पाठकोपनाम राजीव नयनः सप्तमः पाठः संकल्पः सिद्धदायकः पार्वती शिवं पतिरूपेण अवाञ्छत् एतदर्थं सा तपस्यां कर्तुं ऐच्छत् सा स्वकीयं मनोरथं मात्रे न्यवेदयत् तत्सुत्वा माता मीना चिंताकुला अभवत् मीना वत्से मनीषिता देवता गृहे एव सन्ति तपः कठिनं भवति तव शरीरं सुकोमलं वर्तते गृहे एव वस अत्रैव तवाभिलाषः सफलः भविष्यति पार्वती अम्ब तादृशः अभिलाषः तु तपसा एव पूर्णः भविष्यति अन्यथा तादृशं पतिं कथं प्राप्स्यामि अहं तपः एव चरिष्यामि इति मम संकल्पः पुत्री त्वमेव मे जीवनाभिलाषः पार्वती सत्यं परं मम मनः लक्ष्यं प्राप्तुं आकुलितं वर्तते सिद्धिं प्राप्य पुनः तवैव शरणम् आगमिष्यामि अद्यैव विजयया साकं गौरीशिखरं गच्छामि ततः पार्वती निष्क्रामति पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तपति स्म कदाचित् रात्रौ स्थंडिले कदाचित् च शिलायां स्वपिति स्म एकदा विजया अवदत् विजया सखी तपः प्रभावात् हिंस्रपशोऽपि तव सखायः जाता पञ्चाग्नि व्रतमपि त्वं अतपः पुनरपि तव अभिलाषः न पूर्णः अभवत् पार्वती ऐ विजये किं न जानासि मनस्वी कदापि धैर्यं न परित्यजति अपि मनोरथानां अगतिः नास्ति त्वं वेदम् अधीतवती यज्ञं सम्पादितवती तपः कारणात् जगति तव प्रसिद्धिः अपर्णा इति नाम्ना अपि त्वं प्रथिता पुनरपि तपसः फलं नैव दृश्यते पार्वती अयि आतुरहृदये कथं त्वं चिन्तिता नेपथ्ये अयि भो अहम् आश्रमवटुः जलं वाञ्छामि सम्भ्रमं विजये पश्य कोऽपि वटुः आगतोऽस्ति विजया झटिति अगच्छत् सहसैव वटुरूपधारी शिवः तत्र प्राविशत् विजया वटो स्वागतं ते उपविशतु भवान् इयं मे सखी पार्वती शिवं प्राप्तुम् अत्र तपः करोति वटु हे तपस्विनी किं क्रियार्थं पूजोपकरणं वर्तते स्नानार्थं जलं सुलभं भोजनार्थं फलं वर्तते त्वं तु जानासि एव शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनं पार्वती तूष्णं तिष्ठति हे तपस्विनी किमर्थं तपः तपसि शिवाय पार्वती पुनः तूष्णीं तिष्ठति विजया आकुलीभूय आम् तस्मै एव तपः तपति वटुरूपधारी शिवः सहसैव उच्चैः उपहसति वटु अयि पार्वती सत्यमेव त्वं शिवं पतिमिच्छसि उपहसन् नाम्ना शिवः अन्यथा अशिवः श्मशाने वसति यस्य त्रीणि नेत्राणि वसनं व्याघ्रचर्म अंगरागः चिताभस्म परिजनाश्च भूतगणाः किं तमेव शिवं पतिमिच्छसि
पार्वती क्रुद्धा सति अरे वाचाल अपसर जगति न कोऽपि शिवस्य यथार्थं स्वरूपं जानाति यथा त्वमसि तथैव वदसि विजयां प्रति सखी चल यः निन्दां करोति सः तु पापभाग् भवति एव यः शृणोति सोऽपि पापभाग् भवति पार्वती द्रुतगत्या निष्क्रामति तदैव पृष्ठतः वटोः रूपं परित्यज्य शिवः तस्याः हस्तं गृह्णाति पार्वती लज्जया कम्पते शिवः पार्वती प्रीतोऽस्मि तव संकल्पेन अद्य प्रभृति अहं तव तपोभिः कृतदासोऽस्मि विनतानना पार्वती विहसति शब्दार्थः पति रूपेण पति के रूप में एतदर्थम इसके लिए अवांछत चाहती थी मात्रे माता से चिंताकुला चिंता से परेशान मनीषिता चाहा गया इच्छित तादृशः वैसा अभिलाषः इच्छा तपसा तपस्या से प्राप्स्यामि प्राप्त करूंगी जीवनाभिलाषः जीवन की चाह आकुलितम परेशान साकम साथ निष्क्रामति निकल जाती है मनसा मन से वचसा वचन से कर्मणा कर्म से तपति स्म तपस्या करती थी स्थंडिले नंगी भूमि पर शिलायाम चट्टान पर स्वपिति स्म सोती थी तपह प्रभावात तपस्या के प्रभाव से अतपह तपस्या की अगति ही गतिहीनता अधीतवती पढ़ ली संपादितवती संपन्न किया प्रथिता प्रसिद्ध हो गई आतुर हृदये हे व्याकुल हृदय वाली नेपथ्य पर्दे के पीछे से आश्रम वटुहु आश्रम का ब्रह्मचारी झटिति जल्दी से क्रियार्थम तप के लिए पूजोपकरणम पूजा की सामग्री सुलभम आसानी से प्राप्त धर्म साधनम धर्म का साधन तूष्णीम चुप आकुली भूय परेशान होकर उपहसति उपहास करता है अन्यथा अन्य प्रकार से श्मशाने श्मशान में अंगरागः अंगलेप परिजनाः मित्रगण भूतगणाः भूतों की टोली वाचाल बड़बोला अपसरा दूर हट यथार्थम वास्तविक पाप भाग पापी पृष्ठतः पीछे से परित्यज्य छोड़कर कंपते कांपती है प्रीतः प्रसन्न संकल्पेन संकल्प से अद्य प्रभृति आज से क्रीतदासः खरीदा हुआ नौकर विनत आनना नीचे की ओर मुंह की हुई विनत आनना नीचे की ओर मुंह की हुई विहसति मुस्कराती है अभ्यासः उच्चारणम कुरुत अभवत अकथयत अगच्छत न्यवेदयत अपूजयत स्वपिति तपति प्राविशत अवदत वदति स्म वसति स्म रक्षति स्म वदति चरति स्म करोति स्म गच्छति स्म अकरोत पठति स्म